अग्निपथ का विरोध करने के लिए गया के गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस के आला अधिकारी गांधी मैदान में पहुंचे और छात्रों को जमीन पर बैठाकर लगातार समझाने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारी छात्रों को किसी भी तरह का उग्र आंदोलन न करने की सलाह दे रहे थे। गया पहुंचे आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आशीष मिश्रा ने बताया कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गया जंक्शन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आरपीएफ जीआरपी के अलावा स्थानीय जिला प्रशासन के पुलिस बल की भी विभिन्न जगहों पर तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है। विधि व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जिला आला अधिकारियों और भारी संख्या में पुलिस बल को गांधी मैदान भेजा गया। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो जीवन में बचाना वो भी नहीं रहेगा। सुन लो ना यार, जीवन खत्म हो गया क्या? इसका नहीं बनेगा लाइफ, सबका बनेगा सर। अरे महात्मा बच्चों, हम बता रहे हैं, चुप रहो। एक मिनट, ने 10 रुपए ने एक्टर नहीं किया, लाइफ किसका बना? किसी का नहीं बना, किसी का। वो ऐसे भी होता, 10 रुपए नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं होता बनेगा। इनको निकालो ये सब। नहीं सर, हम लोग आर्मी में जाने के लिए ये जो जितनी भी बातें हैं देश में हो रहा है सरकार तक ना, आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इसको वापस इसका मतलब ये लेंगे और इसमें रिकंसिडर करेंगे। आप यहाँ बैठ के अगर कुछ हो जाता है कम तो आप क्यों यहाँ पे अपना जीवन दाव पर रख रहे हैं? मुझे आर्मी का नाम हटा दिया गया। बकरी चराएंगे के लिए क्या यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई? हमारे पास आरपीएफ जीआरपी और जिला से पूरा सहयोग मिला हुआ है और सभी जगह सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हमारी डिप्लॉयमेंट है। हम लोगों ने यार्ड में भी जो स्टेबल ब्रेक्स हैं उसको भी सुरक्षा में रखा हुआ है और हमारा भी यही अपील है कि सब लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। मतलब सिक्योरिटी का टाइट इंतजाम? बिल्कुल, एक दो गश्त हम लोगों ने पूरा जॉइंट ड्रिल हम लोगों ने किया है और कोशिश यही है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में रहे। अभी तक क्या इनपुट मिल रहा है? जैसे अभी कुछ इनपुट है कि गांधी मैदान में कुछ एकत्रित हुए हैं लेकिन वहाँ पे भी सब शांतिपूर्वक ही है, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि वो सब अपना डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हालांकि बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। सदर SDO इंद्रवीर कुमार, सिविल लायंस थाना प्रभारी प्रशिक्षु PS स्वीटी शेखावत सहित कई अधिकारी छात्रों को लगातार गांधी मैदान में समझा रहे हैं। वहीं छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन भी चौकस है। गया जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। GRP, RPF एवं स्थानीय थाना की पुलिस को चौकस किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आशीष मिश्रा भी लगातार गया रेलवे स्टेशन के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।